ए वक्त जरा अदब से पेशा, ए वक्त जरा अदब से पेशा, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। वक्त को थोड़ा वक्त दे दीजिए, वक्त आने पर वक्त बदल जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद पेश करना चाहती हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे अपना व्यक्तित्व रखने का अवसर प्रदान किया। आपका पुनः शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक मेवात की बेटी को यहाँ पर पहली बार इस सदन में बोलने का अवसर दिया है। मैं कामा विधानसभा से आती हूँ, अपनी आवाम का, अपनी जनता का, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मेवात की बेटी पर अपना भरोसा जताया और राजस्थान की सब सर्वोच्च पंचायत में भेजकर मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, कई दिनों से तरह तरह का वाद विवाद सुन रहे हैं। एक बात हर बार सुनने में आती है कि ये अभिभाषण से हमारे विपक्ष के मौजूद साथीगण संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपको 5 साल दिए गए आवाम की और जनता की सेवा करने के लिए, जिनको आपने बेमिसाल 5 साल के नाम से इश्तिहार छाप दिए और एक एक वर्ग के साथ धोखा साफ़ज़ाई कर दी। ऐसा कोई वर्ग नहीं है राजस्थान का, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो। काश्तकार हो, युवा साथी हो, दलित हो, महिलाएं हो, या ऐसा कोई ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जिसके साथ आपने वादा खिलाफी ना की हो। तो आप असंतुष्ट रहे, मुखमहीन रहे, उससे किसी को कोई नहीं है। जो करारा जवाब देना था 3 दिसंबर को, वो आपको मिल चुका है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और सुनने में आती है, इनको एक और शब्द पसंद नहीं है, डबल इंजन की सरकार। आपका तो तालमेल नहीं बन पाया 5 साल, आप तो एक दूसरे के विरोधी बने रहे। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा था पूरे देश को कि आपका तालमेल बनेगा तो सरकार और जनता का कुछ भला होगा। आप तो अपना सरकार का तालमेल नहीं स्थापित कर पाए तो आप डबल इंजन की सरकार को क्या समझेंगे। जो केंद्र ने जन कल्याण योजनाएं शुरू की थी, आपके मुख्यमंत्री साहब ने उनको प्रदेश की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। इसलिए नहीं पहुंचने दिया कि अगर पहुंचने देते तो जो जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से राजस्थान प्रदेश भी आगे बढ़ जाता। पर नहीं, आप लोगों ने यह सोचा भ्रष्टाचार करेंगे। बड़ी चर्चा में रही आपकी सरकार, किस लिए? भ्रष्टाचार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के लिए। मानवर, मैं मेवात जिले से आती हूँ। ब्रज कामा एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी अपनी संस्कृति है, अपनी तहजीब है, अपनी एक ऐसा उसका कल्चर है जो सब जगह से, सब रूपियों से बनकर बनता है। जहाँ पर सूर्यमल, राजा सूरजमल की गौरवताएं हैं, शहीद हसन का मेवाती की शहीदी को सलामी देती हूँ, श्री कृष्ण के लल्ला स्थान को, ब्रज स्थान को नमन करती हूँ, जहाँ गलियों में राधे राधे के जयकारे हैं, जहाँ पर गिरिराज धाम की गूंज बढ़ती है, ऐसा एक पाक, ऐसा एक पवित्र, ऐसे जिले से और ऐसी धरती से आती हूँ। मान्यवर, दुर्भाग्य से जो वहाँ पर तालीम मंत्री थी, कांग्रेस के यहाँ से शिक्षा मंत्रालय देख रही थी, उन्होंने शिक्षा का स्तर मेवात के उस जिले में, उस इलाके में इस तरीके से खत्म कर दिया कि जहां पर अपने अध्यापकों को पहली बार सुना था, कहते हैं तो बादले के लिए पैसे लेते थे, कामा में तो बादला रुकवाने के लिए पैसे लिए जाते थे। पहली दफा बोल रहे हैं, अभी शुरू किया, 2 मिनट लेंगे। समय की सीमा है मेरी, 4:55 खत्म करना है, अभी बोलने वाले बहुत है। ये ब्रज मेवात का वो क्षेत्र है जहां पर आपने दूसरे का नाम कर दिया, संगीन गुना जैसे कि गौकशी, सेक्सटॉर्शन, गौ तस्करी, एक मिनट में खत्म, साइबर क्राइम जैसे इतने संगीन
अपने क्या कहते हैं क्राइम्स को आपने बढ़ावा दे दिया। आपके वहां के सरकार में भरतपुर संभाग में 6 मंत्री थे और 6 के 6 में भ्रष्टाचार में डूब गए थे। ये एक ऐसा जिला बनाया है हमने जो कांग्रेस मुक्त कर दिया है। कांग्रेस मुक्त करके उस संभाग से हम लोग आते हैं। आप लोग यहाँ पर बात करेंगे राम मंदिर की, अब करिए। हमारे कण कण में राम है। हर मजहब और धर्म में राम को बड़े अदब से लिया जाता है। आपने जिस तरीके से श्री राम का नौता स्वीकार अस्वीकार कर दिया, आप अपना विश्वास अपने श्रद्धा अपनी आस्था को उसी तरीके से ना कबूल करते हैं इसी सदन में। माननीय सदस्य, अगली बार आपको ज्यादा टाइम देंगे। राजा वक्त पे शेर